मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम योर टीचर फ्रॉम दी एजुकेटर्स FM कैंपस। स्टूडेंट्स, टेक आउट योर मैथ्स बुक एंड ओपन पेज नंबर 99। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 11। रीड एंड राइट द टाइम फॉर द गिवन एक्टिविटीज़। क्लास, आपके पास कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं और आपके पास यहाँ पे क्लॉक पे वो टाइम मेंशन भी है। आपने उस टाइम को यहाँ पे आपको ये बताना है क्लास कि एग्जैक्टली क्या टाइम हो रहा है। फर्स्ट इज़ वेक अप एट डैश ओ क्लॉक। टाइम क्या है हमारे पास? 7। इट्स मीन वेक अप एट 7 o'clock। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 7, लाइक दिस। गोइंग टू स्कूल एट डैश ओ क्लॉक। वो स्कूल कितने बजे जा रहा है? 8 o'clock। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 8। प्लेइंग टाइम एट, अब उनका खेलने का क्या टाइम है क्लास? यू कैन सी इट्स 4:30। सो वी विल राइट 4:30 हेयर। नाउ मूविंग टूअर्ड पेज नंबर 100। स्टडी टाइम एट, पढ़ने का क्या टाइम है क्लास? इट्स 5:30। सो वी विल राइट 5:30 हेयर, लाइक दिस 5:30। नेक्स्ट इज वॉचिंग टीवी एट डैश ओ क्लॉक। टीवी देखने का क्या टाइम है क्लास? 8 o'clock। सो वी विल राइट 8 हेयर, लाइक दिस। द नेक्स्ट वन इज बेड टाइम। अब इसका बेड टाइम क्या है क्लास? इट्स 8:30। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 8:30, लाइक दिस। ओके नाउ क्लास, मूविंग टूवर्ड्स पेज नंबर 101। एक्सरसाइज नंबर 12, सीक्वेंसिंग। दिस इज़ अ स्टोरी दैट इज़ नॉट इन ऑर्डर। क्लास, सीक्वेंसिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक करेक्ट सीक्वेंस में रखना और ऑर्डर में रखना। आपके पास यहाँ पे एक स्टोरी है जो कि ऑर्डरली सेट अरेंज नहीं है, जो कि ऑर्डरली अरेंज नहीं है। रीड द सेंटेंसेज एंड रीड राइट दैम बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर। अब हम क्या करेंगे क्लास, हमारे पास जो ये सेंटेंसेज हैं हम उनको ऑर्डर में लेकर आएंगे और उसके बाद हम उनको नीचे यहाँ पर लिखेंगे। फर्स्ट वन इज़ मॉम एंड आई वेट फॉर द बस टू टेक मी टू स्कूल। नंबर टू, आई ब्रश माई टीथ बिफोर आई गो डाउन स्टेयर्स फॉर ब्रेकफास्ट। नंबर थ्री, मॉम गिव्स मी सीरियल एंड मिल्क टू ईट। आई वेक अप इन द मॉर्निंग एंड गेट आउट ऑफ द बेड। आई पिक आउट माई क्लोथ्स एंड गेट ड्रेस्ड। आपके पास ये सेंटेंसेज हैं। नंबर फर्स्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए क्लास? आई वेक अप इन द मॉर्निंग एंड गेट आउट ऑफ द बेड। इसलिए हमने इसके आगे क्या लगा दिया क्लास? नंबर वन। नंबर टू में हमारे पास कौन सा सेंटेंस होना चाहिए क्लास? दिस वन, आई ब्रश माई टीथ बिफोर आई गो डाउन स्टेयर्स फॉर ब्रेकफास्ट। सो वी विल राइट स्टेटमेंट नंबर टू हियर। नाउ आई पिक आउट माई क्लोथ्स एंड गेट ड्रेस्ड अप, दिस इज़ योर थर्ड स्टेटमेंट। हम ये वाली स्टेटमेंट कहाँ लिखेंगे क्लास? इन द थर्ड नंबर प्लेस। आफ्टर थर्ड हमारे पास फोर्थ लाइन कौन सी है क्लास? मॉम गिव मी सीरियल एंड मिल्क टू ईट। एंड आर लास्ट लाइन इज मॉम एंड आई वेट फॉर द बस टू टेक मी टू स्कूल। अब आपके पास क्लास क्या हो चुके हैं? ये सब अरेंज हो चुके हैं, एक सीक्वेंस में आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है क्लास उसको हम यहाँ लिख देंगे। आई वेक अप इन द मॉर्निंग and get out of the bed. Now number two, I brush my teeth before I go downstairs for breakfast. अब ये वाली लाइन हम यहाँ लिख देंगे क्लास। ओके क्लास, नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस पेज बाई योर सेल्फ। ओके नाउ क्लास, दिस वॉज द एंड ऑफ योर डेज क्लास। आई विल मीट यू द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।